नमस्कार महेंद्र तनिया को स्वागत करछु बिस्मी प्रथम देखिनबा हेडलाइंस कोविड हॉस्पिटल सत चापिबा को षडयंत्र सत लुचाइबा को जाई बड़ मिछ कहिला मयूरभंज जिला प्रशासन कोरोना रोगी को बनाई देले मानसिक रोगी बांकुशोल कोविड हॉस्पिटल रे रोगी उल्लग्न अवस्था रे पड़ी रहिथिबा विजुअल को नै प्रेस रिलीज जारी करी प्रश्न घेरे जिला प्रशासन बीजेडी सांसद भर्तुहरी महताब को संपादकीय राज्य सरकार को कटाक्ष विदेशी कंपानी ठारु टीका किणवा संभव नुहे जाणिक भी केमिति डाकिले ग्लोबल टेंडर सरकार चलाउथिबा पंडित मानक टार्गेट राज्य राजनीतिर होइछे। आज अनुगुल जिला गस्त करिवे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जेएसपीएल कैंपस रे निर्मित कोविड केयर सेंटर को लोकार्पण करिवे केन्द्रमंत्री बलराम प्रसाद ठारे थिबा ईएसआई हॉस्पिटल तालचर ठारे थिबा एमसीएल कोविड हॉस्पिटल परिदर्शन कर स्थिति अनुध्यान करिवे। खोली कि कोविड परिचालन बाहा बाहर गुमर ओडिशा रे कोरोना रो संगीन स्थिति जातीय हार ठारु अधिक रही राज्य पॉजिटिव हार भद्रक एवं ढेंकनाल रे प्रति 100 रे 38 पॉजिटिव 13 जिला रे 15% उपरे पॉजिटिव रेट। आज सीबीएसई द्वादश 12 लाख परीक्षार्थी भविष्यत उपरे निष्पत्ति परीक्षा नै केन्द्र शिक्षामंत्री करिपारंती बड़ घोषणा घोषणा पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी को भेटिबे शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। व्योमकेश बाहिनी को आतंक राज भद्रक चांदवाली रे माड़खाई हॉस्पिटल रे स्वामी स्त्री अभियोग कले पुलिस कहुची सेमिति किछि आईन दफा नाही नै परिबुनी कार्यनुष्ठान। बालेश्वर बन्यांचल परिदर्शन कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बात्या प्रभावित लोकों पाख को जाई बुझिले दुख कहिले केन्द्र बढ़ाइब सहायतार हाथ दीर्घस्थायी भित्तिभूमि उद्यम प्रतिश्रुति। कुचिंडार लज्जा घरे खेलुवा बेले नाबालिका दुष्कर्म अभियोग थाना मामला ओडिशा रे दुष्कर्म घटनार 50% शिकार होती नाबालिका दंडहार कम नहीं चिंता। एबे देखिबा संपूर्ण खबर सत को लुचाइबा को जाई बड़ मिछ कहिला मयूरभंज जिला प्रशासन बारिपदा बांकशोल कोविड हॉस्पिटल रे रोगी उल्लग्न अवस्था रे पड़ी रहिथिबा विजुअल को नै जारी हला प्रेस रिलीज जहाँ सूचना मध्ये रहिछि कुहागला कि खबर मिछ एवं भित्तिहीन तबे जणे रोगी कथा उल्लेख कर लेखागला तांकर न्यूरोलॉजिकल समस्या रहिछि हेले पूरा दृश्य जिलापालन को मिछ को पदारे पकाइ देछि। मयूरभंज जिला प्रशासन रो महामिछ कोरोना रोगी को बनाई देले मानसिक रोगी कोविड हॉस्पिटल सत चापिबा को षडयंत्र दायित्वहीन प्रतिक्रिया रखिले जिलापाल विनीत भरद्वाज भाइराल विजुअल सत कहुची ना प्रशासन रो तदंत गोटे पटे बारिपदा बांकशोल कोविड हॉस्पिटल रो ए दृश्य आउ एपटे जिला प्रशासन रो प्रेस रिलीज नजर पकातु ए रिलीज उपरे एटी उल्लेख करा जाइछि जे मयूरभंज जिलापाल ओ अन्य अधिकारी को टीम बांकशोल जाई सेठाकार स्थिति ओ सोशल मीडिया रे वायरल वीडियो रो तदंत करथिले तदंत परे ए घटना मिछ ओ आधारहीन बोली जिला प्रशासन कहिछि सहित कहा जाइछि जे जणे रोगींकर न्यूरोलॉजिकल समस्या रहिथिला तंकु तंको बेड को बारंबार दिया जाउथिला हॉस्पिटल रो डाक्टर ओ नर्स तंकर जत्न नेउथिले बोली एथिरे उल्लेख करा जाइछि जहां पदारे पकाइछि जिलापालक मिछ जिलापालक मिछ नंबर 1 प्रेस रिलीज रे दर्शा जाइछि जणे रोगी बोली किंतु विजुअल कहुची जणे नुहे एकाधिक रोगी तले पड़ी किए बारंडारे किए टॉयलेट रे आउ किए बेड पाखरे ताहले केवल जणे रोगी को विषय रे काही की उल्लेख करा गला अन्य मानक संपर्क रे काही की उल्लेख कले नाही जिलापाल विनीत भरद्वाज जिलापाल को मिछ नंबर 2 प्रेस रिलीज रे उल्लेख करा जाइछि जे हॉस्पिटल रो डाक्टर ओ नर्स पूरा जत्न नेउथिले रोगी करो
किंतु भाइराल भिजुआल रे केही भी देखा जाउनाहंती। जदि समस्ते एते जत्न नेउथिले ताहेले ए स्थिति काहेकि जिल्लापालंक मिच्छ नंबर 3 काहाको बंचाइबा पई होईछि तदंत दृश्य सत ना तदंत ए दृश्य मिच्छ ओ कोनोसी आधार नाही दर्शाइबा ही बड़ मिच्छ। बारीपदा ठारु मात्र कई किलोमीटर दूर बांकीस्थल कोविड हस्पिटाल दृश्य भाइराल होता। रोगी माने तले पड़ दृश्य सामना को आसीला अंगश्रे खबर प्रसारण पर हईचैवी सृष्टि होता। एने स्वास्थ्य मंत्री नव दास को प्रश्न पचारिपु से उत्तर नदे चली जाते आबे जिला प्रशासन जो उत्तर रखी मिछ। बारीपदारु रंजन दास रिपोर्ट अर्गस। चोरा मद कारबार को नहीं तातिले महिला बारंबार विरोध करने सत्वे प्रशासन कौन पदक्षेप ने महिला माने अभियोग करते घटना देखा मिली। जाजपुर जिला बिंझारपुर अंचल चोरा मद बिक्री प्रतिवाद में बिंझारपुर थाना सम्मुखें राति अधरे धारण में देते एकाधिक महिला तेज तुरंत स्थानीय अंचल चोरा मद कारबार बंद करने को से दावी कर। नजर पकेबा परवर्ती खबर उपर आज अनुगुल जिला गस्त करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यह अवसर में जेएसपीएल कैंपस रे निर्मित कोविड केयर सेंटर को पूर्वाह 9:45 मिनिटे लोकार्पण करेंगे केन्द्रमंत्री। यापर से बलराम प्रसाद ठारे थिबा ईएसआई हस्पिटाल परिदर्शन करने स्थिति अनुधान करेंगे। से हीपरी दिन प्राय 12:15 समय श्री प्रधान तालचर ठारे थिबा एमसीएल कोविड हस्पिटाल परिदर्शन करे विभिन्न आनुषंगिक व्यवस्थार तदारख करिबार कार्यक्रम रही सूचना मिले। बुलेटिन समय छ ब्रेक रो ब्रेक पर फेर छु। ब्रेक पर स्वागत। आज राज्य में आरंभ हो लॉकडाउन 3.0 16 दिन लॉकडाउन को बढ़ाई राज्य सरकार। जून 17 पर्यंत लॉकडाउन को वृद्धि ने घोषणा करते मुख्य शासन सचिव। जून 17 सका 5 पर्यंत बलवत्त लॉकडाउन कटकणा पूर्वपरी सका 7:00 दिन 11:00 पर्यंत लोके अत्यावश्यक सामग्री किणाकिणी करेंगे। यहसह राज्य में जारी रही सप्ताहत सटडाउन जारी रेबे। राज्य में 3 जिला कटकणारे किछि कोहळ करछन्ते सरकार। नुआपड़ा गजपति एवं सुंदरगढ़ सेलून पार्लर मॉल छाड़ी अन्य सब दुकान खोला रहिबो। एहासह एही 3 जिलारे सकाळ 7 रु दिन गोटाए पर्यंत अत्यावश्यक सामग्री किणिबा पई अनुमति रहिछे। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित संबलपुर सुधासलक जोडना प्रतिनिधि मळय भई अछन्ते। मळय जो भाई भाव में राज्य सरकार आउ एक जदि कहबा कि जो एक्सटेंड करछन्ते पुणि थरे से लॉकडाउन स्थिति को आज स्थिति कौन रही कहीं आज ठार लॉकडाउन 3.0 पुणि थर आरंभ हो जाए। निश्चित भाग विस्पित देखो आप जानते जो भाई भाव बर्तमान कोरोना पीक पॉइंट पहुँची या कोई विशेषज्ञ मत रोला सरकार ये समस्त संक्रमण को दृष्टि देखिए बर्तमान समय आप जानते जे पखापाखि तीन टी पर्यायर लॉकडाउन बर्तमान समय घोषणा कराने आप देखते प्रथम 14 दिन तापर्त समय पुणी 14 दिन बर्तमान मे जून 17 तारीख पर्यटन कहीं आज जिते बिल आज सका लॉकडाउन जहाँ थी दुईट पर्यायर आज सका 6:00 समय तार शेष समय होता कितु आज पुणी पखापाखि 17 दिन जून 17 तारीख पर्यटन गोटे प्रकार लॉकडाउन रही सरकार बर्तमान समय घोषणा कर देखा ये जो घोषणा जितने करापाखि राज्य तीन टी जिला को कटका अधिक कोहल कर जो जो जिला रही बाकी जिला ये जिला मानक बर्तमान समय संक्रमण हार बढ़ुवा जो से जिले में पूर्व भली कटक जारी रही आप जानते हैं सकाल 7:00 दिन 11:00 पर्यंत पखापाखि 4 घंटा अन्य समस्त जिला मानक कटक किसी कोहल रही से ही समय केवल अत्यावश्यक दुकान बाजार खोल और आम जहाँ देखु जो तीन टी जिला नुआपड़ा गजपति
आउ सुंदरगढ़ ये जिला मानक जानते सरकार कहते ये जिले में संक्रमण हार बर्तमान समय कमी जहाँ को लेकिन सरकार कहते जी अगर कौन जिले में संक्रमण हार कमी पारे से जिले में कटक कोहल कर तो निश्चित पक्ष देखा सरकार लोकों पर गोटे भल पदक्षेप नौ आप जिला जी लोक पॉजिटिव संख्या कमे बा पॉजिटिव हार यदि कहि पारे तो निश्चित पके से जिला को बड़ कथा हो छै निजता सरकार का तरफ रु जतरा रिपोर्ट आसतला जा सूचना मधे रहितला कि टेस्टिंग को कमा जाउ छै जेंति पई कि संक्रमण हार कमु छै एबल स्थिति रे जा सूचना मधे रहै छै प्रत्येक दिन हम जे देखिबा आक्रांत को संख्या हुए त 10,000 तलक को रहु छै किंतु केउ नै कोनो आक्रांत को संख्या मधे रहु छै किंतु मृत्यु संख्या जदि कहबा सेतिरे ब्रेक लागुनी कोन करबा आवश्यक होइ पड़ छै वर्तमान स्थिति रे देखो विस्मय आप जानते जिते बिल प्रथम कर जो जो भाई जो आसूला पॉजिटिव कहीं जो जो भाई बढ़ुला पाखापाखि आप जानते हैं 12,000 रु 13,000 पर्यटन पूरा पूरी पिक पहुँची था चलित सेकेंड लहरी पूरा 12,000 रु 13,000 पर्यटन पहुँची कोरोना संक्रमण हार यह समय आप देखिथे प्रत्येक दिन रिपोर्ट आसूला 15 रु 20 एभली 20 एभली लोक प्रत्येक दिन गोटे प्रकार रिपोर्ट आसूला मरबार लोक मृत्यु होता कथा कहला अंपटे आम देखीलु से समय आप जानते जी प्रत्येक जिले में सरकार तथ्य दे नए कि प्रत्येक जिले में गोटे गोटे दिन में पाखापाखि 12-15 जन आम देखी संबलपुर जिले में जो रिपोर्ट आसी था संबलपुर कोविड हॉस्पिटल पाखापाखि 15 रु 20 जन प्रत्येक दिन बढ़ जाते सरकार से समय तथ्य लुचाऊ बर्तमान जब देखा जे सरकार निजे तथ्य देखते अधिक संख्य आपतु जो दिन जिते संख्यार गोटे प्रकार संक्रमण हार कमुले से दिन अधिका संख्यार मृत्यु होता कोविड जहाँ तथ्य आसी तो निश्चित पक्ष देखा सरकार पूर्वर जो कथ आसूला से कथा को तो प्रथम से स्वीकार करतमान देखु आम जे अधिक संख्यार बर्तमान मृत्यु हार संख्या देखें अनेक कथा कह आप देखु ये मृत्यु संख्या हार पूर्वर मध्ये एबले छला कि सरकार करछंती कि आजठारो आरंभ हे जाउची लॉकडाउन रो तृतीय पर्याय एबल स्थिति रे समस्त सतर्क रहबा आवश्यक होय पडछि काहेकिना जे भली भाबरे आक्रांतक संख्या बढुछि ठीक सेई भली भाबरे मृत्यु संख्या मध्ये बढुछि राज्य रे जहा कोनी राज्यवासी मध्ये केउठे केउठी चिंतित रहछंती बहुत धन्यवाद मले आपन समस्त सूचना पाए नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे सटडाउन राति रे राजधानी रे युवकंक हंगामा निजकु मंत्रीक पुतुरार परिचय दे ट्राफिक पुलिस सह जुक्ति तर्क निसारे चूर युवक जनक प्राय अध घंटा धरी पुलिस को करथिले नाकदम रविवार सटडाउन राति रे एमिति किछि कथा कहि भुवनेश्वर फायर स्टेशन छकरे हंगामा मचाइथिले युवक जनक हाव भावर जना पडुथला युवक जनक मद निसारे चूर थिले ट्राफिक पुलिस को प्राय अध घंटा नाकेदम करथिले एसपी नंदी चेक करिवा चेक करिवा ठीक चेक हम हलो लगे हो चेक करिया सीधा जाउ आपन जे गाड़ी आने लोक मार देबे किछि लोक मारिबे नि मु केवल मंत्री रहंती निजकु आउ किछि बड़ बड़ पुलिस अधिकारी को संपर्कियो बोली परिचय देथिले टिके ए वीडियो उपरे नजर पकांतु ना मुहरे अछि मास्क ना पिंधिछंती हेलमेट हेले ट्रैफिक छकरे धरा पड़ीबा परे महिला ट्रैफिक कनेस्टेबल को गाली गुलज करबा स फोन रे कथा न हेबारु जाकरी पिता लागुछि बोली धमक देथिले तबे युवक जणंकु जानि नथिबा कहिछंती मंत्री पद्मनाभ बेहरा एहा स युवकक विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान पई निर्देश देइछंती ये संपूर्ण भाव रे गुटे अमूलक कथा कौनसी से ये ना मु तो ताको जाने ना कि चिन्हे ना ट्राफिक कनेस्टेबल जो मैंने सब थे सी तो बुझा कथ अंत भाव करके कौन ये मानते सत्यता अच्छी सेपटे घटनास्थल महिला ट्राफिक कनेस्टेबल को आज लंबा समय धरी डीसीपी कार्यालय देखा मिलता घटना को अनुध्यान नक और उपरिष्ट अधिकारी बिना परामर्श से गणमाध्यम को बयान देवा जो डीसीपी तांकु तागिद करथिबा सूचना मिलिछे कोविड कटकणा समय कटकणा उल्लंघन करबा मद्यपान करबा एवं अशिष गाड़ी गुलाज करबा
ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଅଛି। ତେବେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଓ ପୋଲିସକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଧରି ରାତିରେ ବୁଲିବା ପୋଲିସର ଚେକିଂ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜିଠାରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶର 12 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଆଜି ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ଲୁଟ୍ପାଟ। ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରୀମାର କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପରି ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି ସିସିଟିଭିରେ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା, ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମହିଳା, ଏକା ଦେଖି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଜୀବନ ଆଗରେ ଜୀବିକା ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧା। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେଣି ଲୁଟେରା, ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଛିନ୍ତାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ଏକୁଟିଆ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ। ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି ଲୁଟେରା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସକାଳୁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚୋରଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କେଇ ମିନିଟର କଥା ପରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକି କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ଛୁରା ମାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି, ଯାହା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲି ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ମହିଳା ଜଣକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନୟାପଲ୍ଲି ଉସ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବୁଲେଟିନ ସମୟ ଛ ଆଉ କେବ୍ରେକ ବ୍ରେକ ପର ଫେରୁଛୁ। ବ୍ରେକ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବକ୍ତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ଜେହାଦି ହିଂସା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବକ୍ତା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ପଦଗୋସ୍ୱାମୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ଜେହାଦୀ ହିଂସା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଓ ଜେହାଦୀ ହିଂସାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁପାରୁ ନଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀପଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜୟୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଅବିକା ଯୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉନକା ଜିହାଦୀ ଶକ୍ତି କେ ସମର୍ଥନ କା ଯୋ ଉନକା ରିମାର୍କ, ଇଏ କେବଳ ବଙ୍ଗାଲ କେ ଲିଏ ନହିଁ ସାରେ ଦେଶ କେ ଲିଏ ବହୁତ ବଡ଼ା ଏକ ଥ୍ରେଟ୍ ହେ। ମେରା ବିଶ୍ୱାସ ହେ ଆପକା ବାତ ମୈଁ ଜରୁର ଉପର ମେ ବତାଉଙ୍ଗା ଔର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲେନେ କା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉନକେ ଉପରି ହେ ଔର ହମ ଲୋଗୋଁ କା ବିଶ୍ୱାସ ହେ ଯେ ଓ ସ୍ଥାନ ମେ ଯୋ ବୈଠେ ହେଁ
हम लोग जैसा सोच रहे हैं उनके मन में भी ऐसा चल रहा होगा जरूर। राइट स्टेप इन द राइट टाइम। से आहुरी कहिथिले एही हिंसा रे 3662 टी गां प्रभावित होईछि। पाखा पाखी 20,000 हिंदू परिवार पीड़ित होईछन्ते। एठारे लूट तराज पुड़ाजला हत्या गण दुष्कर्म भळी जेहादी हिंसा चलिछि। एपरि कि अनेकंकु निज घर छाड़ी चली जिबाकु बाध्य करा जाउछि एवं घर को फेरिले सेमानंकु जीवन रे मारिदेबाकु धमक मध्य दिया जाउछि। सेथिपाई सेठाकार पीड़ित हिंदू समाज आज निज देश में निजे शरणार्थी होइछि। एभली परिस्थिति रे सेठाकार हिंदू मानंकु सुरक्षा देबा जरूरी हो पड़िछि। जीत होगा ही, यहाँ का संजोग का हिम्मत और बढ़ेगा और यहाँ पर अभी जो प्रतिरोध करने का जो मन में चल रहा है बंगाल क्रांतिकारी स्वभाव तो है, देश के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले उसी का ही वंश जो सब बंगाल में है, ये जरूर मेरा लगता है देश भर से अच्छा आवाज उठना चाहिए। इसका परिणाम राष्ट्रपति तक, इसका प्रधानमंत्री तक सबकी बात पहुंचेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओडिशा आनुकूल्य संपादित एक कार्यक्रम में जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज एवं केन्दुझर जिलार बुद्धिजीवी अंश ग्रहण करते। समस्त रखा नमस्कार।